देखो अगर आपका भी इंस्टाग्राम पेज है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो आप रेगुलर काम करते हो राइट, लेकिन आपके मन में एक अभी डाउट है वो आपको क्लियर नहीं हुआ। कौन सा डाउट है वो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ राइट। आपका जैसे कि पेज है इंस्टाग्राम पे एंड आप किसी दूसरे पेज से जो पोस्ट डाउनलोड कर देते हो या फिर कोई रील्स वीडियो आप डाउनलोड करके अपने पेज पे जो पोस्ट अपलोड कर देते हो या रील्स वीडियो अपलोड कर देते हो, तो आपके मन में डाउट रहता है कि भाई हमारे पेज पे जो कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा राइट। तो आपको बता दूँ इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसी के बारे में फुल एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ कि ऐसा करने से आपके पेज पे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा राइट। अगर आ भी जाता है तो आपके पेज पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को भी लाइक कर दो गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलो वीडियो को अब करते स्टार्ट। तो गाइस अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पर जो कॉपीराइट कैसे आता है। तो कॉपीराइट आने की एक ही वजह, कौन सी वजह वो आपको सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ राइट। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहना राइट। जैसे कि आपका खुद का पेज है इंस्टाग्राम पर राइट, एंड आपने क्या किया किसी दूसरे पेज से जो अपने पोस्ट या रील्स वीडियो आपने डाउनलोड कर दी राइट, एंड डाउनलोड करने के बाद में रील्स वीडियो को जो आपने खुद के पेज पे आपने अपलोड कर दी वो भी बिना किसी एडिटिंग के राइट, तो कॉपीराइट आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। कैसे, उसका जो भी रील्स आपने अपलोड किया उस दूसरे पेज का जो उसके अंदर वाटरमार्क होगा, तो वाटरमार्क आपने रिमूव नहीं किया डायरेक्टली आपने अपलोड कर दिया अपने खुद के इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसके वजह से आपका कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने देखा हुआ है अभी तक तो कोई कॉपीराइट आया हुआ नहीं है, किसी एक या दो पेज पे आ जाता है कभी कभार कॉपीराइट। जो बड़े बड़े पेज होते हैं उसके आप अगर आप चुराते जैसे कि रील्स वीडियो कोई पोस्ट तो कॉपीराइट आने की संभावना बन जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसे कि आपने जो किसी रील्स वीडियो को डाउनलोड कर दिया दूसरे पेज से एंड डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर वाटरमार्क होगा, उस वाटरमार्क को आपको रिमूव कर देना है एडिटिंग के थ्रू राइट। आपको एडिटिंग के थ्रू कैसे रिमूव करना है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है मोटिवेशन आग राइट, तो मैं क्या करता हूँ अपने रील्स वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके अंदर भी मैं अपना वाटरमार्क लगा देता हूँ। तो वाटरमार्क लगाते हो तो आपको पता है कि भाई वाटरमार्क एक ही जगह रहता है, अगर एक ही जगह वाटरमार्क रहता है तो उसको आपको एडिटिंग करते समय अपने खुद का वाटरमार्क लगा देना है, उसको एडिटिंग कर देना है, तो जिसकी वजह से आपका कॉपीराइट नहीं आएगा अपने इंस्टाग्राम पेज पर राइट। एंड दूसरी बात ये भी है, क्या कॉपीराइट कभी आया या नहीं आया, तो आपको बता दूँ कभी भी कॉपीराइट इंस्टाग्राम पर मैंने ऐसा नहीं सुना कि भाई किसी का रील्स वीडियो डाउनलोड किया एंड अपने पेज पे अपलोड कर दिया या फिर कोई पोस्ट डाउनलोड करके अपने पेज पे पोस्ट अपलोड कर दी तो कॉपीराइट आया राइट। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई सुना नहीं इंस्टाग्राम पर कि भाई कॉपीराइट भी आता है राइट, क्योंकि कॉपीराइट इसलिए नहीं आता इंस्टाग्राम पर कि इसका एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। यानी कि यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करके उस पर आप अपलोड कर देते तो ऑटोमेटिक कॉपीराइट आ जाता है कुछ ही एक दो घंटे के अंदर राइट। लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक ऐसा नहीं है भाई कॉपीराइट आता है। आप है जो कोई भी दूसरे पेज से कॉपीराइट कभी नहीं आएगा अगर आप कोई पोस्ट अपलोड कर देते हो डाउनलोड करके या फिर कोई रील्स वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो राइट। आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि आपका उसका वाटरमार्क होता है उसको रिमूव करके आप अपलोड करोगे तो कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा राइट। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई हम किसी एक भाई ने पूछा था मेरे को कि भाई अगर सॉन्ग भी यूज़ करे या कोई म्यूजिक भी यूज़ करे तो हमारे चैनल पे हमारे पेज पे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, तो आपको बता दूँ आप किसी म्यूजिक यूज़ करते हो अपने इंस्टाग्राम पे तो उसको क्या करना है, जब भी आप अपलोड करते हो रील्स वीडियो तो आपको उसको मेंशन कर लेना है। जैसे भी कोई भी जैसे कि पेज है जैसे कि मेरे कोई आप सॉन्ग है एंड आप अपने पेज पे जो उसको अपलोड कर रहे हो राइट, तो आपको क्या करना है मेंशन कर लेना है। जैसे कि क्रेडिट आप इस टाइप से लिख सकते हो राइट, क्रेडिट एंड उसके बाद में अल द रेट मोटिवेशन आग राइट, तो इस टाइप से आप लगा सकते हो उसका पेज का नाम राइट, जिसकी वजह से उसको क्रेडिट आपने दे दिया है एंड आपको वो कभी भी कॉपीराइट नहीं देगा राइट। तो आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको वाटरमार्क को रिमूव कर देना है। तो आई होप कि गाइस आपको ये वाला छोटा सा वीडियो था इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बता दी, क्योंकि मेरे को एक भाई ने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि भाई इसके बारे में आप वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा भाई ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यूवर हैं वो जानना चाहते कि भाई कॉपीराइट आता है या नहीं आता राइट, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी। आप है जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, आपको ऐसे मजेदार वीडियो चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।